अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जब इस केस की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी तो टीम को लीड कर रही डीआईजी पी रेणुका देवी ने भी कहा था कि आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब पुलिस अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर सकेगी। अभी तक पुलकित समेत तीनों आरोपियों से उनकी गिरफ्तारी के समय ही पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और भास्कर को पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उसी दिन तीनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यानी बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरे एक हफ्ते तक पुलिस मुख्य आरोपियों से पूछताछ नहीं कर सकी थी। अब जब तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है तो पुलिस और एसआईटी इनसे सख्ती से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें अंकिता भंडारी हत्याकांड का सबसे अहम पहलू उसका मोबाइल है। अंकिता का मोबाइल अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। जाहिर है जब अंकिता को पुलकित आर्य ने धक्का दिया तो उसके मोबाइल के बारे में भी पुलकित समेत तीनों आरोपियों को पता होगा। एसआईटी पुलकित आर्य से कड़ाई से पूछताछ करके मोबाइल के बारे में पता लगाएगी। इसके साथ ही पुलकित आर्य का मोबाइल भी इस केस की अहम कड़ी है। एसआईटी पुलकित आर्य का मोबाइल भी ढूंढने की कोशिश करेगी। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।